टॉप 10 फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में जो टॉप 10 मिसाइल हैं वो हैं इंडिया, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस, ब्राजील के, और इसमें हम कंपेयर करेंगे उनकी टाइप, स्पीड, रेंज, वेट, लेंथ, डायमीटर, वारहेड, एक्यूरेसी, मैन्युफैक्चरर और गाइडेंस सिस्टम, और उनके करंटली प्रोग्रेस पे, और हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देखेंगे। इस लिस्ट में जो मिसाइल यूज की गई है वो या तो सर्विस में है या वो अंडर डेवलपमेंट में है। इस लिस्ट में फ्यूचरिस्टिक मिसाइल को ऐड नहीं किया गया है। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक मिसाइल पे वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो नंबर 10 पर है AVTM 300। AVTM 300 एक ब्राजीलियन टैक्टिकल क्रूज मिसाइल है जो कि बनाया गया है एस्ट्रो 2 के लिए। एस्ट्रो 2 असल में एक सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी रॉकेट लॉन्चर है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है सेम कंपनी एविब्रॉस के द्वारा। AVTM 300 का एक निकनेम है मेटाडोर। मेटाडोर का मतलब होता है किलर। AVTM 300 को एक ऑप्शन की तरह देखा जाता है जब बात आती है अमेरिकन मिसाइल टोमाहॉक की। टोमाहॉक एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर जेट पावर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। AVTM 300 एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी स्पीड 0.85 मैक है। इसका रेंज 300 किलोमीटर, वेट 1140 केजी, लेंथ 5.4 मीटर, डायमीटर 0.4 मीटर। इसकी वारहेड कैपेसिटी 200 केजी, एक्यूरेसी 30 मीटर। इसे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो है एविब्रास के द्वारा जो कि एक ब्राजीलियन कंपनी है। इसमें जो गाइडेंस सिस्टम है वो है, इसमें यूज किया गया है रिंग लेजर गायरोस्कोप, GPS एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। AVTM 300 अभी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट में है। तो नंबर 10 पे है निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को ले जा सकता है, और ये फिलहाल चाइना के अगेंस्ट LAC पे डिप्लॉयड है। निर्भय की मैक्सिमम स्पीड 0.9 मैक, इसका रेंज 1500 किलोमीटर, वेट 1500 केजी, लेंथ 6.5 मीटर, डायमीटर 0.52 मीटर, वॉरहेड 300 केजी। मैन्युफैक्चर इसको मैन्युफैक्चर करता है वो है DRDO और टाटा मोटर्स, दोनों मिलके मैन्युफैक्चर करते हैं इसे। गाइडेंस सिस्टम इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, MEMS गायरोस्कोप जो कि इंटीग्रेटेड है GPS और नाविक से। ये दो स्टेज में इसके इंजन वर्क करते हैं। फर्स्ट स्टेज में होता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, सेकेंड स्टेज में होता है टर्बोफैन टर्बोजेट। निर्भय अभी सर्विस में है बट इसके कुछ वेरियंट पे अभी ट्रायल चल रहा है। तो नंबर 8 पर है KH-101 एयर टू सरफेस मिसाइल है। KH-101 और KH-102 एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिनको बनाया गया था KH-55 और KH-555 को रिप्लेस करने के लिए। KH-101 लो एल्टीट्यूड पर भी ट्रेवल कर सकते हैं और इनमें रडार एब्जॉर्बिंग कंपोजिट मटेरियल का भी यूज किया गया है जो इन्हें किसी भी रडार से बचाता है, और ये भी माना जाता है कि इसकी एक्यूरेसी काफी हाई है। इसकी स्पीड 1.03 मैक है। इसका रेंज 4500 किलोमीटर जो कि काफी अच्छा है। वेट 2400 केजी, लेंथ 7.45 मीटर, डायमीटर 0.51 मीटर, वारहेड 400 केजी, और इसे मैन्युफैक्चर करता है KHAZ। इसमें जो गाइडेंस सिस्टम लगे हैं वो है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और डॉपलर रडार। रशियन होने की वजह से इसमें GPS का यूज नहीं किया गया है। ये अभी सर्विस में है। तो नंबर 7 पर है AGM-28 Hound Dog। AGM-28 Hound Dog एक सुपरसोनिक टर्बोजेट प्रोपेल्ड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसको बनाया गया था 1959 में यूनाइटेड स्टेट द्वारा। इसे बनाया गया था सोवियत अंडरग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस पे अटैक करने के लिए। हॉर्नडॉग 15 साल तक डिप्लॉयड था, उसके बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया AGM-69 SRAM और AGM-86 ALCM से। तो AGM-28 हॉर्नडॉग के स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे हैं। स्पीड 2.1 मैक, रेंज 1260 किलोमीटर, वेट 4603 केजी, लेंथ 12.95 मीटर, डायमीटर 2.84 मीटर, वारहेड 790 केजी, मैन्युफैक्चर नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, गाइडेंस सिस्टम एस्ट्रो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, स्टेटस डीकमीशन। तो नंबर 6 पे है P-800 Onyx। P-800 Onyx को यखोंड नाम से भी जाना जाता है। P-800 Onyx एक सोवियत रशियन सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल है जो की डेवलप की गई थी NPO द्वारा। इसका नाटो नेम है
SSN 26 स्ट्रॉबेरी। लेकिन P700 के लॉन्च होने के बाद P800 को रिप्लेस कर दिया गया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इंडियन रशियन ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए P800 के ही बेसिक फॉर्मेट को यूज किया गया था। P800 फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल करते हुए हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों के टारगेट पे निशाना लगा सकता है। P800 ओनिक्स की स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। स्पीड 2.5 मैक, रेंज 600 किलोमीटर, वेट 3000 केज, लेंथ 8.9 मीटर, डायमीटर 0.7 मीटर, वारहेड 250 केज, मैन्युफैक्चरर NPO, गाइडेंस सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन एंड रडार सिस्टम, स्टेटस इन सर्विस। तो पांचवें नंबर पे है P700 ग्रेनाइट। P700 ग्रेनाइट एक सोवियत और रशियन एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसका रशियन मिनिस्ट्री ने नाम 3M45 रखा है और नाटो ने इसका नाम SSN-19 शिप ब्रिक रखा है। यह दो वेरिएंट में आता है, सरफेस टू सरफेस और सबमरीन लॉन्च, लेकिन इसे ग्राउंड अटैक के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके एक सिंगल ब्लास्ट में 500 किलो टन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्पीड 2.6 मैक, रेंज 625 किलोमीटर, वेट 7000 केजी, लेंथ 10 मीटर, डायमीटर 0.85 मीटर, वारहेड कैपेसिटी 200 केजी, मैन्युफैक्चर किया जाता है NPO और इसमें गाइडेंस सिस्टम जो लगा है वो है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और एक्टिव रडार। स्टेटस ये अभी सर्विस में है। तो नंबर चार पे है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मिड रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो की लॉन्च की जा सकती है सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड से। ये दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट मिसाइल है। इसे डेवलप किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट प्रोग्राम है रशियन फेडरेशन NPO और इंडियन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का। इसे बनाने के लिए P800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल की बेसिक फॉर्मेट का यूज किया गया है और इसमें काफी सारे पुराने क्रूज मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें ऐड की गई है। इसका नाम ब्रह्मोस दो नदियों के नाम पे रखा गया है, पहला इंडिया की नदी ब्रह्मपुत्र और दूसरा रशिया की नदी मोस्कोवा। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी स्पीड 3 मैक, इसका रेंज 290 टू 600 किलोमीटर, वेट 2500 केजी, लेंथ 8.4 मीटर, डायमीटर 0.6 मीटर, वारहेड कैपेसिटी इसकी 300 केजी, एक्यूरेसी 1 मीटर। इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। इसमें जो गाइडेंस सिस्टम का यूज किया गया है वो है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और अभी ये सर्विस में है। तो नंबर तीन पर है पर्सियस। पर्सियस का तो नंबर तीन रैंक पे है पर्सियस। पर्सियस का मिलिट्री नेम CVS-401 है। इसे एक ग्रीक हीरो के नाम पे रखा गया है और यह एक स्टेल स्नाइपर क्रूज मिसाइल है जो कि PMDA यूरोपियन डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ मिसाइल इसकी एक कॉन्सेप्ट स्टडी पर बनाया गया है। इसको बनाने के लिए एक जॉइंट एंग्लो फ्रेंच प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कि इसे बनाएगा और इसका मेन एम है ब्रिटिश की हार्पून और फ्रेंच की एक्सोट को 2000 तक रिप्लेस करना। इसकी स्पेसिफिकेशन है यह एक एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल रहेगी। स्पीड इसकी है 5 मैक, रेंज 300 किलोमीटर, वेट 800 केजी, लेंथ 5 मीटर, वारहेड 200 केजी, गाइडेंस सिस्टम स्कैन रडार, लेजर गाइडेंस सिस्टम और ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो नंबर दो पर है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डेवलप किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये ब्रह्मोस की एक सेकेंड सीरीज है। इसमें स्क्रैमजेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन का यूज किया गया है। यह एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है। इसके स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे है। इसकी स्पीड है 7-8 मैक, रेंज 1000 किलोमीटर और इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है DRDO। स्टेटस अभी ये अंडर डेवलपमेंट में। तो नंबर वन पे है सौर। सौर एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे डेवलप किया है DRDO ने इंडियन आर्म फोर्स के लिए। सौर मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंस को भी टारगेट कर सकता है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले इस पे अनुमान लगाया जा रहा था कि ये एक अंडर वाटर K-15 मिसाइल जिसका नाम है सागरिका जो कि एक सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है, ये उसका एक वेरिएंट है। लेकिन DRDO ने इसे डिनाई करते हुए ये बताया कि ये एक नया वेरिएंट है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी स्पीड 7.5 मैक, रेंज 700 टू 1900 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है। इसका वारहेड कैपेसिटी है 6200 केजी, इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसका डायमीटर 0.74 मीटर, इसकी वारहेड है 180 टू 1000 केजी और एक्यूरेसी इसकी है 20 टू 30 मीटर। इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है DRDO। इसमें जो गाइडेंस सिस्टम लगे हैं वो है लेजर गायरो, INS और एक्सेलेरोमीटर। स्टेटस अभी ये सर्विस में है। तो ये थी टॉप 10 क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।